वहीं सिद्धारगंज कोतवाली में डीजीपी और डीएचपी के आदेश पर महिला हेल्प डेस्क के अंतर्गत कोतवाली स्तर पर महिला सीएलजी टीम का गठन किया गया। सीएलजी टीम के गठन के पहले सिद्धारगंज पुलिस ने समाज में हो रही महिलाओं के साथ अत्याचार अपराध पर चर्चा की। इसके बाद शहर की जागरूक महिलाओं की एक सीएलजी टीम बनाई गई जो कि समाज में महिलाओं के हो रहे उत्पीड़न के लिए जागरूकता के साथ पुलिस की मदद करेंगी और ऐसी कोई भी घटना होने पर पुलिस को तत्काल सूचना भी देंगे। सितारगंज से जफर अंसारी की रिपोर्ट। उसके दृष्टिगत हमारे द्वारा आज यहाँ पे सीएलजी महिलाओं की एक गोष्ठी आयोजित की गई थी जिसमें हमारे द्वारा आगामी होली त्योहार और महिला दिवस के अवसर पर चर्चा की गई और इसमें जो है आने वाले महिलाओं के प्रति होने वाले उत्पीड़न, ट्रैफिक और जो नशा है, जो नशे का हमारे वहाँ बच्चों पे जो प्रभाव पड़ रहा है, दुष्प्रभाव जो पड़ रहा है, उसको लेकर के यहाँ पे जनजागरूकता अभियान हमारे द्वारा किया गया। और जो मुझे उम्मीद है कि जो हमारी सीएलजी जो आज हमारी गोष्ठी में वार्ता हुई है जनजागरूकता को लेकर के, इसको जो है पूरे हमारे क्षेत्र में प्रचार प्रसार इसका करेंगे और अपराधों के नियंत्रण में हमारी मदद करेंगे। और यहाँ आज बुलाया गया है, हम लोगों को विशेष जानकारी दिया गया है, लड़कियों अपना अधिकार का हनन करती हैं और कहीं गलत मैसेज भी समाज में दिया करती हैं, तो यहाँ हम लोग बैठ के मीटिंग किए हैं, समाज में अच्छा मैसेज देंगे। होली के पर्व खुशियों का पर्व होता है, एक दूसरे से गुलाल लगा के गले मिलते हैं हम लोग और कोई भी गिला शिकवा आज के दिन से हम लोग सब लोग भूल के भाईचारा का मैसेज देते हैं समाज में। धन्यवाद।